मुहिम करेंगे कि सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हो, उसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी हो, उसके लिए फार्म भराए जाते हैं। मैं भी नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट था, मेरे पास भी बिहार से चलकर के स्टूडेंट आए थे। उन्होंने आकर के जब सारी बात बताई तो हमने भी यहाँ हमारे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उसको करते उनके फार्म भराए। हमने भी कहा कि अभी आंदोलन में आपके साथ। नतीजा ये निकला कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी थी और उन युवाओं के दबाव में जब इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद जब देश नए सिरे से जैसे आज लॉकडाउन में फंसा हुआ उस वक्त इमरजेंसी में फंसा हुआ था, इमरजेंसी हटने के बाद जब चुनाव हुआ उस कांग्रेस को इस देश से जाना पड़ा। पूरे देश में राज करने वाली पार्टी को युवाओं ने धराशायी करने का काम किया। आज भी उस तरह के हालात हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, माफिया जगह जगह खड़े कर दिए गए, लोग आज दुखी है, परेशान है। लोग चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ संक्षिप्त होकर के कोई आंदोलन खड़ा किया जाए। जिसको विपक्ष मानते हैं वो तो घर में बैठा है। कांग्रेस पार्टी की आज हालत ऐसी है जो अपने आप को कहता है कि भाजपा के सामने विपक्ष के रूप में कोई पार्टी है तो कांग्रेस। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 15 दिन में 10 रुपए से ज्यादा बढ़ गए। हमारी गेहूं के, सरसों के, चने के, हमारी कोई खेत में होने वाली और दूसरी जो सब्जियां हैं या कोई और जो फसलें होती हैं उनके दाम तो 50 रुपए क्विंटल बढ़ते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 10 रुपए लीटर बढ़ते हैं। उसका भाव तो 1000 रुपए बढ़ता है क्विंटल के हिसाब से, 100 लीटर के हिसाब से, और हमारा भाव बढ़ता है अगर किलो के हिसाब से लें तो 50 पैसे। ये लूट है, इस लूट से कैसे बचाया जाए देश को, उसके लिए 100% युवाओं को फिर से संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप सब साथियों ने आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी आज तक एक्ट करी है, जो आज आपने फिर से चौधरी देवीलाल की नीति में विश्वास व्यक्त किया है। अलग अलग पार्टी में जहां उनको ताकत दी, जिन लोगों ने केवल आप लोगों को भड़काया, केवल समझवाद दिखाई, आप मान के चलो ये 4.25 साल निकलते देर नहीं लगी, लेकिन आप लोगों ने और साथियों को जोड़ करके अपनी ताकत और बड़ी करने का काम किया तो 100% आने वाले समय में इस प्रदेश की मांगों युवाओं के हाथ में होगी। मैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जो पार्टी में नए साथी आए हैं उनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे पुराने साथियों को जिस तरह से हमने मान और सम्मान दिया, जैसे पार्टी में उनका अपनी एक जगह थी, हम उससे भी ज्यादा बढ़ करके आपको मान सम्मान देंगे और आप सब भी करेंगे कि आप पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के लिए समय देंगे। यही बात आपसे कहने के लिए आज आपके बीच में आया था। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने एक नया मैसेज प्रदेश के लोगों को दिया। ये जो आज आपकी ज्वाइनिंग है, ये मीडिया के लोग जब इसको सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जब दिखाएंगे तो बहुत सारे युवाओं का और फिर मन आपकी तरह बदलेगा और इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी न केवल प्रदेश में शिखर पर पहुंचेगी बल्कि इस देश के अंदर अपनी एक जगह बना करके लोगों का विश्वास जीतने का काम करेगी। आप भाई, आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।